कहता है कि सूरज को आईना नहीं दिखाया जा सकता। हमने दिखाया, छोटा मोटा आदमी नहीं, गोविंदा जैसे आदमी को मामा रखा हुआ है मैंने। आथिया शेट्टी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये नहीं कि आप सामने बैठी हैं इसलिए मैं इसे तारीफ करूंगा, शेट्टी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं। मुझे बोला बोल बच्चन में लूंगा, रोहित शेट्टी ने लिया मेरे। सुनील शेट्टी, हाँ उनके भी फैन है हम। ऐसे थोड़ी सामने बैठे ना थोड़ी बोलेंगे हम, है सलमान भाई तो ऑटोग्राफ तो बनता है भाई। ये लो सर मेरा ऑटोग्राफ, क्योंकि इस शो के बाद मैं स्टार बनने वाला भैया। जिस शो पे सलमान भाई आओ दुनिया देखेगी हम भी स्टार बन जाएंगे। हट हट पालक पनीर। या अब एक्ट नहीं करना, एक्ट गया तेल लगाने। भाई के साथ बैठने को मिल गया। अब मैं भी बाहर जाके बोलूंगा बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। खैर, और नए चेहरे लॉन्च करना कोई छोटी बात नहीं। सच्ची में अपना पैसा लगा के दो नए चेहरे लॉन्च किए हैं हम लोगों ने, देखो। ये है हमारे शो के दो फेस, ये है लड्डू प्रसाद और ये है जलेबी भाई। इनका प्रॉब्लम हो गया, इनके पीछे से कोई कमोट उठा के भाग गया। अब पता नहीं भाई ये जलेबियां कैसे बनाएगी। सलमान भाई आपको पॉटी जोक्स बहुत पसंद है। पसंद है आपको? एक सुनाऊं। एक बार ना एक डुक्कर की फैमिली होती है, वो ऐसे बैठी होती है, एक आदमी वहां जू बीच पे वहां पॉटी कर रहा होता है। तो बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मम्मी बोलती है बेटा एक मिनट और रुक जा, एक सीटी और बजने दे। I'm sorry, Atiya. खैर, पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी यहाँ पे मौजूद है, खानदानी लोग। सलमान भाई की फैमिली सुपरस्टार्स, अदिति पंचोली जी के बेटे, सुनील शेट्टी जी की बेटी, गोविंदा का भांजा। इतने सब लोग हैं, आइए कुछ चिरकुट लोगों को बुलाओ। धोखा कलर वालों ने ऑडियंस के साथ किया धोखा। कहते बहुत बड़ा स्टार आ रहा है, बहुत बड़ा स्टार, बाद में सेलिब्रिटी को ले आए। स्टार किधर है? वो तो वेट कर रहे हैं ना फिर। अरे उधर देखो सलमान भाई बैठे। अरे डर तक। क्या है, क्या है सलमान खान? क्या है? सिर्फ एक अच्छा इंसान, सिर्फ एक सुपरस्टार, गरीबों की मदद करने वाला। अरे क्या इसके अलावा मुझे एक भी खूबी बता दो। तेरा जूता मेरा सर।
अच्छा गुस्सा आ जाए ना बहुत मारते हैं। तो निकाल जूता। हेलो नमस्ते ऑडियंस, नमस्ते, नमस्ते सुरवीन, नमस्ते, नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते रंजीत जी, नमस्ते गुलशन जी, सॉरी क्या करूं, इनके साथ ऐसे ही नमस्ते बनती है। कैसे है शक्ति जी? अच्छा हूँ जी। शक्ति है ना? लेकिन शक्ति जी की एक बात है, मुझे पता है, ये अमेरिका गए थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऐसे देखे थे, आओ ललिता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी डर गई, उसने आग जगा दी, हटे, मेरे पास बताई, मैं जला दूंगी, मेरे पास बताना, प्लीज, क्योंकि बड़े नॉटी है ना ये, स्टैचू के साथ भी लिबर्टी ले लेते हैं। लेकिन सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई ना आपकी तरह विलन बने, कुछ टिप्स देंगे सर? आओ भी नल्लो। चावल सारोगे क्या? पीछे आओ। वैसे भारती, जब भी मैं कोई सुंदर तितली देखता हूँ ना, मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। सैकड़ों कुत्ते भौंकने लगते हैं? हाँ। तो अपनी फैमिली को चुप करवाना। एक मिनट, सुरवीन चावला, ये वही लड़की है ना लेट स्टोरी वाली? लेट स्टोरी वाली मैंने पूरी फिल्म देखी है, जैसे इसने लेट लेट के सीन दिए है ना, वो लेट स्टोरी थी। और एक बात और, थैंक गॉड फिल्म टाइम पे खत्म होगी वरना पेट स्टोरी हो जाती। फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार? पहले टीवी ही करती थी ना सुरवीन? बिल्कुल। सोचो सुरवीन आज भी टीवी करती होती और डेली सोप की बहू होती तो कैसे सीरियल बनते इसके ऊपर? कैसे? ये बिस्तर क्या कहलाता है? सुहागरात सिमर का चुम चुम भाग्य। तुम्हें क्या लगता है बच्ची ने बड़ी मेहनत की है पता? पहले टीवी में आई, एंकर बनी, फिर फिल्मों में गई है ना, इस बच्ची ने साबित कर दिया मेहनत करो ना करो का भी बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे सुरवीन बहुत अच्छी लड़की है, आज भी कपड़े खरीदने जाती है ना तो कपड़े वाले को कहती है आपने मेरी हेट स्टोरी देखी है? वो कहता हाँ मैडम देखी है। फिर क्या आपसे शर्माना, इधर ही चेंज कर लेती है। सुरवीन मेरी भी कपड़ों की दुकान है। हाँ उसके बाप की तलवार की दुकान है, गर्दन कटवाएगा। बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे पहले कि सुरवीन रो पड़े, उसका मेकअप खराब हो जाए, ऐसी निकल आए, हम थोड़ी शक्ति जी की सेवा करते हैं। आओ ठाकी चीकी, ठाकी चीकी। सर ये लड़का है, सर सर ये मेरा भाई है, क्यूट दिखता है पर ये लड़का है सर, डोले दिखा। हाँ। सुबह नहीं बता सकती थी, सॉरी मुझसे गलती होगी, एक्चुअली मैं शक्ति जी को बताना भूल गई कि ये सुरवीन की वैन नहीं है, दरवाजा खुला कहते आओ सुरवीन, मैं शक्ति और ये है मेरा कुत्ता सावन, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। लेकिन शक्ति जी आपका नाम शक्ति है, आपको पता है आपकी मोहल्ले की सारी औरतों का नाम क्या है? सहन शक्ति। ज्यादा मत बोल, मुझे अच्छा ही लगता है, श्रद्धा मेरी दोस्त है, अंकल है यार, मतलब ऐसे मत कर। श्रद्धा तुम्हारी दोस्त है तो हमारी भी दोस्त है, वैसे तो श्रद्धा जब छोटी होगी ना उसकी तो चांदी चांदी होगी, स्कूल में बड़ी शरारतें करती होगी, आज तक किसी टीचर ने नहीं कहा होगा कि अपने पापा को बुला के ला। क्यों? अरे क्यों क्या, एक बार टीचर ने कहा था कि अपने पापा को बुला के ला, शक्ति जी स्कूल पहुंच गए, बस क्या 8 टीचर गायब, 28 बच्चे ज्यादा। लेकिन एक बात है सर, आज की तू क्या कमाल की फिल्म की है श्रद्धा ने, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी, लास्ट में वो लड़का मर जाता ना, पता क्यों मरा सर? क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरा चक्कर जिसके साथ है वो शक्ति कपूर की बेटी है। तालियां हो जाए। टेलीविजन के बड़े बड़े सितारे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा लग रहा आप लोग? मजा आ रहा है? वाह वाह, अरे जॉम्बी ताई।
ये तो उषा नाट करनी जी है। अरे बाबा मेरे को पीछे मिली ज़ॉम्बी ताई बोलूंगा। मेरे को पीछे मिली मेरे पैर छुए मिले। उषा जी कैसी हैं आप? कहती है मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? अरे आपको पता है इतनी सारी बहुओं के बीच में हमने आपको क्यों बुलाया? क्यों? अरे भैया मूड कभी कभी खराब भी तो होना चाहिए। वाह वाह आनंदी जी बाली का वधू। वाह 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 क्या बात, कितनी बालिकाएं चेंज हो गई। पांच पांच छह छह लेकिन बुड्ढी दादी अभी भी वही है। ये लोग जब शूटिंग पे जाते हैं ना इनके कपड़े अलग प्रेस हो रहे होते हैं, वहां दादी का मुंह अलग प्रेस हो रहा होता है। दादी को भैया वही रखना है। हमारे बंबई में इतने नगर पालिका नहीं बदले जितने इनके बालिका बदल गए बॉस। लेकिन हमारी टेलीविजन की बहुओं के लिए जोरदार तालियां। मेरे को मालूम है कितना मुश्किल है ना? बिल्कुल। अरे सुबह सुबह शूटिंग पे जाओ, 9 बजे मेकअप करो, इतना सब पहनो, सुबह सुबह एकदम रानी मुखर्जी लगती हैं लोग। सारा दिन काम कराते रात को 9 बजे के बाद केष्टो मुखर्जी हो जाती है। फिर ज़ॉम्बी ताई मेटी को कैसे आई? खैर मैडम छोटा सीधा साधा आदमी हूँ, अपुन इधर काम करते हैं, ये चैनल का ऑफिस है, मैं इधर का प्यून हूँ। यस हमारे साहब अभी आते ही होंगे। या अरे साहब जिप खुल रहा है। या तो आप मेरी जिप बंद करो या इनका मुंह बंद करो। क्या करे? एक मिनट, आप मुझे 2 मिनट बाद फोन करो, मैं 2 घंटे में उठाऊंगा। बाय। पीएन इधर आओ। बताओ कि जो अपनी बहुएं हैं सीरियल की, ये सास का कहना मान रही है कि नहीं? अरे सास का कहना क्यों नहीं मानेंगी साहब? अरे जब सास उषा नाटकर्णी जैसी हो तो साला कौन कहना नहीं मानेगा? अरे क्योंकि ये बोलती है खुला मुंह पे, अगर तूने कहना नहीं माना अगर तूने कहना नहीं माना मैं तेरे पे थूक देगी। अरे बहू भी बोलती है कि मैडम एक बार थूक दो लेकिन ऐसा मत बोलो कैसे। ए पागल है तू, ऐसे नहीं बोलना, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। हाँ ये बात तो सही है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। हाँ क्योंकि ये सारी 20-20 साल की है, वो बहुत बड़ी है, समझे कि नहीं? तमीज से बात करो। अरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट है उषा जी, उषा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इससे पहले बाद में ये फेंक के मारे तेरी को मैं छोड़ूंगी। हेलो दिखा दिखा। अरे हेलो हेलो। हाँ शीतल, वो पिछली शूटिंग की इसने चुराई हुई है चूते। पकड़े गए। कोई नहीं आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। अरे साहब, अरे बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ। 9 बजे की शिफ्ट में 8 बजे आ जाती है मालूम है? हाँ क्योंकि इनको मालूम है अगर 9 बजे वॉचमैन आ गया तो फिर अंदर नहीं लेगा इनको।